प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे और इन प्रश्नों को हल करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट हमें मैथ के यूज़ करने हैं उन बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो इनमें सबसे पहले आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, सीधा डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूँ। तो देखिए एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का कि 2x + 3y = 12। तो इसमें मैं मान लीजिए एक्स की जगह पर रख देता हूँ 3 और वाई की जगह पर रख देता हूँ 2। तो देखिए एक्स की जगह 3 रखने पर क्या होगा, 2 × 3 + y की जगह पर 2 रखने पर क्या होगा, 3 × 2। और इसे सॉल्व कीजिए, 3 × 6 + 2 = 6, 6 + 6 कितना आ गया, 12। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 12 है, राइट हैंड साइड भी 12। तो हम ये कहेंगे कि x = 3 और y = 2, x और y की ये जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो x और y के मान के वे जोड़े, वे युग्म जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वो युग्म जो है क्या कहलाता है, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। इसके अलावा देखिए कि यदि मैं x = 1 रखूं और y = 4 रखूं, तो देखिए 2 × 1 + 3 × 4, 2 + 12 कितना आ गया, 14, जो कि 12 के बराबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि 1, 4 जो जोड़ा है, यानी x = 1 और y = 4, इस समीकरण युग्म का हल नहीं है। इसी तरह से हम 0, 4 को चेक करते हैं, अर्थात x = 0 और y = 4 को हम चेक करते हैं कि इस समीकरण युग्म का, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है या नहीं। तो x की जगह 0 रखें, y की जगह 4 रखें, तो 2 × 0 = 0, 3 × 12 क्या आ गया, 12। तो देखिए 0, 4 क्या है, इसको संतुष्ट करता है, इसलिए 0, 4 क्या है, इस समीकरण का एक हल है। इसी तरह से 6, 0 को और चेक करें, 2 × 6 + 3 × 0, 2 × 12 + 0 कितना आ गया, 12। तो ये भी युग्म जो है इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो 2x + 3y = 12 ये जो समीकरण हमने लिया है, इसमें आप x की कोई भी वैल्यू रख दें अपनी मर्जी से, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगी, ताकि ये 12 आ जाए। जैसे x की वैल्यू मान लीजिए मैंने -3 रख दी, अगर ये -3 रखूँगा तो 2 × -3 + 3y = 12। अब y की वैल्यू देखिए मैं निकाल रहा हूँ, तो -6 + 3y = 12, 3y = 12 और ये 6 इस साइड जा कर के प्लस हो जाएंगी, 3y = 18, तो y = 18/3, 3×6 = 18, y = 6। तो x = क्या लिया हमने, -3, तो y = कितना आ गया, 6। तो ये जो युग्म है x और y के मानों का, ये भी क्या है, इसका एक हल है। इस तरह से हम x की एक वैल्यू मान के चलेंगे, दूसरी y की वैल्यू अपने आप यहाँ पर निकलती रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हम अपरिमित रूप से अनेक हल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब शायद आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। अब प्रश्नावली 4.2, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y = 3x + 5 का पहला विकल्प है एक अद्वितीय हल है,
दूसरा केवल दो हल है, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो समीकरण दिया हुआ है वो है वाई बराबर 3x+5। अब देखिए यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू रखें उसकी संगत y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम x के क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक मान यहाँ पर रख सकते हैं तो उनके संगत हमें y के मान भी मिलेंगे। तो हमें कहने का अर्थ है कि इस दो चर वाले समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विकल्प 3 अपरिमित रूप से अनेक हल है, सत्य है, क्योंकि क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है। और इसी तरह y के प्रत्येक मान के लिए x का भी एक संगत मान होता है। आगे सेकंड क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए। पहला समीकरण हमें दिया है 2x+y = 7। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y = 7 - 2x। तो x की वैल्यू रखते जाएं, y की वैल्यू अपने आप आती रहेगी। तो यदि x = 0 है तो y = 7 - 2 × 0, 7 - 0 अर्थात 7। इसी तरह से दूसरा, यदि x = 1 रखें तो y = 7 - 2 × 1, 7 - 2 अर्थात 5। तो यहाँ से 1, 5 दूसरा हल आ गया, पहला हल आया था 0 और 7। इसी तरह से यदि x = 2 रखें तो y = 7 - 2 × 2, 7 - 4 अर्थात 3। तो तीसरा हल आ गया 2 और 3, और कुल चार हल ज्ञात करने में। तो एक वैल्यू और रख दीजिए आप अपने मर्जी से, यदि x = कोई भी वैल्यू रखें, 0, 1, 2, 3 जरूरी नहीं है, -1 भी रख सकते हैं, माइनस में भी कोई वैल्यू रख सकते हैं। y = 7 - 2 × -1, 7 + 2 ये आ जाएगा 9। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि 2x + y = 7 के चार हल कौन कौन से आ जाएंगे, 0, 7, 1, 5, 2, 3 और -1 और 9। तो यदि चार के बजाय हमें पांच हल पूछे तो इस तरह से x की वैल्यू एक और रख दीजिए। हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल ज्ञात कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है πx + y = 9। तो यहाँ से
वाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। तो अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू उसके संगत आती जाएगी। तो यहाँ से हमें जितनी हम एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे उतने ही हमें इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल प्राप्त होते जाएंगे। तो पहले हम रखते हैं कि यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर क्या होगा, 9 माइनस पाई गुणा 0। 9 माइनस पाई गुणा 0 0 ही हो गया, तो ये 9 आ गया। तो पहला सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 0 9। इसी तरह से हम x के तीन वैल्यूज और रख करके बाकी तीन सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 1, एक्स की जगह 1 रखा मैंने, तो 9 माइनस पाई, तो 1 और 9 माइनस पाई, ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया। यदि एक्स बराबर माइनस 1 हो तो वाई बराबर 9 माइनस पाई गुणा माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस 1 और 9 प्लस पाई तीसरा सॉल्यूशन है इसका। और यदि एक्स बराबर 2 हो तो वाई बराबर 9 माइनस पाई, और एक्स की जगह रख दूंगा 2, तो 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के हल कौन कौन से होंगे। एक तो 0 9, दूसरा 1 और 9 माइनस पाई, तीसरा होगा माइनस 1 और 9 प्लस पाई, और चौथा होगा 2 और 9 माइनस 2 पाई। इसी तरह से हम तीसरे पार्ट के हल भी ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया है कि एक्स बराबर 4y। तो यहाँ देखिए कि y की वैल्यू रखते जाएं, अगर y बराबर 0 हो तो इसका मतलब एक्स बराबर 4 गुणा 0 0 हो जाएगा। तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 0 0, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। उसके बाद यदि वाई बराबर मैं 1 रखता हूँ तो एक्स बराबर 4 गुणा 1 अर्थात 4 आ जाएगा। तो 4 1 दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि ऐसे 1 4 मत कर देना इसको, 4 1 लिखना, पहले एक्स फिर वाई। वाई बराबर अगर मैं 2 रखता हूँ तो एक्स बराबर 4 गुणा 2 8, तो 2 8 2, तो तीसरा सॉल्यूशन आ गया। और वाई बराबर माइनस 1 रखूँ, या 3 भी रख सकता हूँ अपनी मर्जी से, कोई वैल्यू रखो, 100 रख दो, 200 रख दो, 1000 रख दो, कोई वैल्यू रख दो इसकी। एक्स बराबर 4 गुणा माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 4। इसलिए एक्स बराबर 4y के हल होंगे 0 0, दूसरा हो जाएगा 4 1, तीसरा हो जाएगा 8 2, और चौथा हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 1। अब थर्ड क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4, और पहले हमें चेक करना है कि 0 2 क्या इसका हल है। तो एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 2 रख के देखेंगे, अगर 4 आ जाता है तो इसका हल है, और नहीं आता तो इसका हल नहीं है।
हम लिखेंगे कि समीकरण x माइनस दो वाई बराबर चार में x बराबर जीरो तथा y बराबर दो रखने पर, देखिए x बराबर जीरो रखूँगा तो जीरो माइनस दो गुणा दो और राइट हैंड साइड में चार, तो माइनस चार बराबर चार जो कि सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है, इसलिए जीरो दो इसे समीकरण एक को मान लेते हैं। इस समीकरण एक या दिए गए समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में हमें दिया है दो जीरो, तो हम लिखेंगे समीकरण x माइनस दो वाई बराबर चार में x बराबर दो तथा y बराबर जीरो रखने पर क्या आएगा कि x की जगह दो रखना है, दो माइनस y की जगह जीरो रखना है बराबर चार, तो दो माइनस जीरो बराबर चार या दो बराबर चार यह सत्य नहीं है, इसलिए दो जीरो दिए गए समीकरण का हल नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिया है चार जीरो, तो समीकरण x माइनस दो वाई बराबर चार में x बराबर क्या रखेंगे चार तथा y बराबर जीरो रखने पर क्या आएगा, x की जगह चार रखिए माइनस दो गुणा वाई की जगह जीरो बराबर चार, तो चार माइनस जीरो बराबर चार या चार बराबर चार जो कि सत्य है, इसलिए चार जीरो दिए गए समीकरण का हल है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट में जो पॉइंट दे रखा है रूट दो और चार रूट दो, तो हम लिखेंगे कि एक्स बराबर रूट दो तथा वाई बराबर चार रूट दो, एक्स माइनस दो वाई बराबर चार में रखने पर तो देखिए x की जगह पर रखेंगे वर्गमूल दो माइनस दो गुणा वाई की जगह रखेंगे चार वर्गमूल दो बराबर चार, तो यह आएगा वर्गमूल दो माइनस चार दुणी आठ वर्गमूल दो बराबर चार, तो एक वर्गमूल दो जो है वो प्लस का है और आठ माइनस के, तो माइनस आठ प्लस एक माइनस का सात होता है, तो माइनस सात वर्गमूल दो बराबर चार जो कि सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है, इसलिए वर्गमूल दो और चार वर्गमूल दो दिए गए समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह से लास्ट फिफ्थ पार्ट जो हम चेक कर सकते हैं,
लास्ट फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है हमें एक एक, तो एक्स बराबर एक तथा वाई बराबर एक, एक्स माइनस दो वाई बराबर चार में रखने पर क्या आएगा, देखिए एक्स की जगह एक रखूँगा, माइनस दो वाई की जगह भी एक रखूँगा बराबर चार, तो ये एक माइनस दो बराबर चार या माइनस एक बराबर चार, ये है कथन सत्य नहीं है। इसलिए एक एक दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो इस तरह से हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो हमें पेयर दे रखा है, जो हमें युग्म दे रखा है एक्स और वाई के मानों का, वो दिए गए समीकरण का हल है या नहीं। एक्स और वाई को वो मान एक्स और वाई की जगह रख दें, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो एक कथन सत्य होगा, ये जो युग्म है वो दिए गए समीकरण का हल होगा। कथन सत्य नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो दिया गया युग्म जो है वो दिए गए समीकरण का हल नहीं होगा। अब आगे चौथा क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर दो और y बराबर एक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि x बराबर दो तथा y बराबर एक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है, इसलिए x और y के ये मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसलिए 2x प्लस 3y बराबर k में x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, देखिए 2 गुणा x की जगह 2 रखिए प्लस 3y की जगह 1 बराबर k, 2 दुनी 4 प्लस 3 बराबर k या 7 बराबर k, यहाँ से k बराबर 7, यही आंसर आ जाएगा बस। तो इसी के साथ प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो जाती है।